नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनवी में आपका स्वागत है। ये खबर हम आपको बहराइच से बता रहे हैं। आज महिमपुरवा तहसील परिसर में कई ग्राम सभाओं के ग्रामीणों ने हजारों की संख्या में बाढ़ राहत सामग्री न मिलने से धरना प्रदर्शन किया तथा शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बताया कि जहां पर पानी लग गया है वहां पर बाढ़ राहत सामग्री वितरण नहीं किया। ग्रामीणों का कहना है और आता है इस संबंध में जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश के संबंध में उनसे बात हुई। जैसे ही माननीय सांसद जी से बात हुई, मैंने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को सम्यक जांच के लिए और इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए अधिकृत किया है। वह मौके पर जाकर उन्होंने स्थिति को देखा है और आश्वस्त किया उस जितनी भी भीड़ थी कि सभी पात्र व्यक्तियों को राशन किट और उनकी फसलों का जो क्षति हुई है या घरों की जो क्षति हुई है उसको नियमानुसार दिया जाएगा। लेकिन मैं अवगत कराना चाहता हूं कि नानपारा और लखीमपुर मार्ग में पुलिया के टूटने के कारण छोटी गाड़ियों में ही राहत सामग्री वहां पर पहुंचाई जा रही है। इसलिए हो सकता है कि लोगों को ये भ्रम हो कि समय से राशन जल्दी से नहीं मिल पाने के कारण कि हमें नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को जो बाढ़ से प्रभावित हुआ है उसको राशन किट भी मिलेगी और उनकी फसलों का या घरों की जो भी क्षति हुई है उसको आग्रहण हमने कराना शुरू कर दिया है, उन सबको मिलेगा। जो भी क्षतिग्रस्त घर हुए हैं या झोपड़ियां गिरी हैं या जनहानि हुई है उन सबको हमने चिन्हित कराकर मुआवजा वितरण करा दिया गया है। अभी भी अगर कुछ बचे हैं तो उसको कराया जाएगा। फसलों की सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन समाचार सोशल मीडिया में इस प्रकार की बिना हम लोगों का वर्जन लिए जो